बांधवगढ़ पार्क से हर महीने करोड़ों की कमाई, लेकिन नागरिक सुविधाओं को तरसते पर्यटक और स्थानीय लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क देश भर में बाघों के आवास के रूप में प्रसिद्ध है और यहां हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। आंकड़ों के अनुसार बांधवगढ़ पार्क से हर साल प्रशासन को 8 से 10 करोड़ रुपए की कमाई होती है, लेकिन इसके बावजूद भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क का पहुंच मार्ग और आसपास के ग्रामीण इलाके नागरिक सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, ऐसा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क में ना तो अच्छी सड़कें हैं और ना ही नालियों की व्यवस्था, यहाँ तक कि बिजली की कटौती और रास्ते में लाइट का इंतजाम भी ना होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो हमें बताइए विस्तार में कि क्या मुसीबतें हैं। देखिए, ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, इस पार्क तक पहुंचने के लिए कोर जोन में 3 रास्ते हैं और बफर जोन में 3 रास्ते हैं, लेकिन ये जो तीन बफर और 3 कोर जोन के ये जो पूरे 6-7 रास्ते हैं, ये बहुत बुरी हालत में हैं। इनकी सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां बिल्कुल एकदम जाम हैं, गंदगी यहाँ पर एकदम व्याप्त है और साथ ही साथ सड़कों पर ना तो लाइट की व्यवस्था है, जिस कारण अंधेरा होते ही, शाम होते ही एकदम अंधेरा हो जाता है सड़कों पर और दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा ही जो आसपास की बस्तियां हैं, जहां पर लोग रहते हैं, मानपुर के आसपास की बस्तियां, बफर जोन के आसपास जो बस्तियां हैं, वहां भी नागरिक सुविधाओं का अभाव है। ना वहां पर सड़कें हैं, ना तो नालियों की स्थिति अच्छी है। इसके अलावा बिजली कटौती 6 से 8 घंटे और अभी तो ये जो कोयला का संकट चल रहा है उसके कारण और बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली कटौती हो रही है। तो ये जो समस्याएं हैं मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर, सड़क, बिजली, पानी, ये बनी हुई है और यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं देश विदेश से, वो एक बहुत खराब छवि लेकर जाते हैं कि इतना मशहूर, इतना प्रसिद्ध नेशनल पार्क है और यहाँ पर सड़कों का, नालियों का, बिजली का, पानी का अभाव है। तो एक बहुत गलत छवि हमारे देश की और इस नेशनल पार्क की जाती है, जिसमें निश्चित तौर से सुधार की जो है बहुत ज्यादा गुंजाइशें हैं और प्रशासन को बहुत जल्द इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो अमन, नेशनल पार्क के आसपास बने होटल और रिजॉर्ट के चलते भी वन्य जीवनों के नुकसान की आशंका बनी रहती है, वो कैसे? देखिए, एक तो जो नॉइज पोल्यूशन है, गंदगी है ना, उससे ये होता है कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे वन्य प्राणी डिस्टर्ब होते हैं, उससे वे खासे उनमें एक तरह का आतंक जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो ये नॉइज पोल्यूशन सबसे पहली घटना है। उसके अलावा ये जो इन होटलों और रेस्टोरेंट से निकलने वाला जो गंदा पानी है, वो उसके निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ये सड़कों पर जमा हो जाता है, ये किसी खुले स्थान पर जमा हो जाता है, गंदगी फैलाता है, बदबू फैलाता है, बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा बिजली कटौती एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण ये जो होटल्स और रेस्टोरेंट के लोग हैं या संचालक हैं, ये जनरेटर इस्तेमाल करते हैं जिनमें डीजल या केरोसिन या मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता है। इसके कारण यहाँ धुआं बहुत निकलता है, बहुत ही जहरीला धुआं निकलता है। इससे भी ये जो वन्य प्राणी है या जो जंगल है, इसको बहुत ज्यादा नुकसान है। इसके साथ जो वाहन आते हैं, उनमें प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है कि जो डीजल से चलने वाले वाहन हैं, इस एरिया में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। लेकिन अभी भी जो कई ऐसे पर्यटक हैं जो डीजल वाहनों का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर आते हैं, तो इनसे भी जो धुआं निकलता है उसके कारण वन्य जीवों को नुकसान पहुंचता है और इस तरह ये जो पूरा पर्यावरण है उससे प्रदूषित होता है। तो ये जो समस्याएं हैं होटलों को लेकर, रेस्टोरेंट को लेकर, पर्यटन को लेकर बनी हुई है। तो अमन, इन सभी परेशानियों के बावजूद भी प्रशासन कुछ कर क्यों नहीं रहा है? क्या किसी भी तरह की कोई बयान या कार्यवाही की बात सामने आई है? देखिए, प्रशासन का रवैया बहुत ही सुस्त है इस मामले में। जब भी उनसे इस विषय में शिकायतें की जाती हैं या पूछा जाता है, तो वही पुराने जो उनके वक्तव्य हैं कि जांच कराई जाएगी, आदेश दिए जाएंगे, ये वे देते हैं और इस पूरे मुसीबत से, इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लेते हैं। लेकिन जरूरत है कि अधिकारियों द्वारा, वन विभाग के अमले द्वारा इसमें सख्त कार्यवाही की जाए, और क्योंकि जो नेशनल पार्क है, इसमें देश के ही नहीं, विदेशों के भी लोग आते हैं, तो
तो विदेशी लोग हमारे यहाँ की सुविधाओं को लेकर प्रश्न करें और एक खराब छवि लेकर जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। तो प्रशासन को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि उमरिया जिला कलेक्टर ने जांच के और कार्यवाही करने के जो निर्देश हैं वो दिए हैं, आश्वासन दिया है, लेकिन इस पर कार्यवाही कब तक होती है ये देखने की बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कोई इस दिशा में कोई कार्यवाही होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। प्रशासन द्वारा इन समस्याओं पर गौर करने और मेंटेनेंस कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। अधिकारियों को स्थिति में सुधार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखना होगा कि उच्च अधिकारियों के यह आदेश कब तक और कहाँ तक स्थिति में परिवर्तन ला पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।